स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इसरो से फॉर्म आया है ITI स्टूडेंट के लिए, जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म आया है। उसका ही एक डिपार्टमेंट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो इसरो के डिपार्टमेंट है उसी में आता है, ये उसका यूनिट है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आप अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को देख लो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो ये आप स्क्रीन पर जो रहे हैं वो मैं इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हूँ, जो जिसमें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा है। और ये यहाँ पर देखेंगे तो इंग्लिश में भी यही चीज़ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है, और यहाँ पर करियर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करके आपको फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, और यहीं और एडवर्टाइजमेंट यहीं से डाउनलोड करना है। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सब आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये देख लीजिए, जैसे आप स्क्रीन पाएंगे तो ये फॉर्म यहाँ पर है, ये एडवर्टाइजमेंट है। आप यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हुआ है भारत सरकार अंतरिक्ष केंद्र डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम से फॉर्म आया है। और इसमें देखेंगे 24/3/2022 को ये पब्लिश हुआ है, और यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर है। तो अब हम आपको बताएंगे इसमें जो कौन कौन सा ट्रेड इसमें एलिजिबल है, ट्रेड प्रशिक्षु का चयन यहाँ पर देखेंगे तो आप नीचे देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपका अप्रेंटिस 1961 एक्ट के तहत होगा, यहाँ पर उन्होंने बताया है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो पूरा डिटेल में आपको बताया गया कौन कौन सा ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे तो पहला जो ट्रेड है उसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, उसमें 40 पोस्ट है। उसकी क्वालिफिकेशन आपके पास NCVT से सर्टिफिकेट होना चाहिए, SCVT से नहीं, NTC ट्रेड सर्टिफिकेट ITI का होना चाहिए, और स्टेपेंड आपको मिलेगा 8,050 रुपया। इसमें दूसरा है जो ट्रेड है वो है फिटर, उसमें 47 पोस्ट है, और इसमें भी आपकी NCVT से सर्टिफिकेट ITI का होना चाहिए, NTC सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, इसमें भी 8,050 रुपया है। और तीसरा इसमें है टर्नर, जिसमें 20 पोस्ट है, इसमें भी आपके पास क्वालिफिकेशन वही होना चाहिए, आपके पास ITI NCVT से होना चाहिए, और इसमें भी स्टेपेंड 8,050 रुपये मिलेगा। और इसमें देखेंगे तो आपको चौथा पे है मैकेनिक रेफ्रिजरेटर में AC, इसमें भी 18 पोस्ट है, और सेम क्वालिफिकेशन है, NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का NCVT से, और सेम स्टेपेंड है। और पांचवा पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा मशीनिस्ट का 20 पोस्ट है, और ITI होना चाहिए आपका NCVT से, NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके बाद 8,050 रुपये बताया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर छठा पे देखेंगे तो मैकेनिक मोटर गाड़ी, और इंग्लिश में इसको मैकेनिक मोटर व्हीकल बोलते हैं, इसमें 10 सीट है, आपके पास NCVT से सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का, ये जिसे NTC सर्टिफिकेट बोलते हैं, इसमें भी आपको सेम स्टेपेंड मिलेगा 8,050 रुपया। और सातवां में आपको इलेक्ट्रीशियन का मिल जाएगा, 10 पोस्ट है, इसमें भी NCVT सर्टिफिकेट से ही है, ITI होना चाहिए, आपका जो स्टेपेंड है वो भी आपको मिलेगा 8,050 रुपया। इसके बाद इसमें जो बताया गया है वो इलेक्ट्रोप्लेटर का है, इसमें 4 सीट है, इलेक्ट्रोप्लेटर का देखेंगे तो ये 4 सीट है, इसमें भी आपको मिलेगा तो 8,050 रुपया ही मिलेगा, और NCVT ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का। उसके बाद ये आपको नवा आपको मिल जाएगा, 9 नंबर पर जो है पासा है, पासा में आपका 50 सीट है, आपके पास NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCVT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और इसमें आपका जो स्टेपेंड मिलेगा थोड़ा कम है, 7,700 रुपया है। और दसवां देखेंगे तो वेल्डर से है, गैस एंड इलेक्ट्रिक है, इसमें 6 पोस्ट है, इसमें 7,700 रुपया स्टेपेंड है, और इसमें डीजल मैकेनिक का है, 10 पोस्ट है, और इसमें 7,700 रुपया। और एक है नल जास, मतलब प्लम्बर का है, 11 सीट है, इसमें भी 7,700 मिलेगा। और फाउंड्री मैन का है, जिसमें 3 सीट है, और इसमें भी आपका ITI NCVT से ही होना चाहिए, सभी में ITI NCVT मांगा है, और स्टेपेंड जो है आपका 7,700 रुपया है। और जैसे नीचे और चलें स्क्रॉल करेंगे तो और भी ट्रेड इसमें है, जो बहुत सारा ट्रेड होता है, इसमें बहुत सारे ट्रेडों के लिए भर्ती है। और ये देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो 14 नंबर पर है वो ड्राफ्टमैन से है,
ड्राफ्टमैन में आपको 28 सीट है, जो स्टाइपेंड इसका है 8,050 रुपया है। और जो पाँचवा देखेंगे तो ये प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट का है, जिसमें आपको मांगा गया है 20 पोस्ट है। और इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, रासायनिक विज्ञान या भौतिकी विज्ञान में प्रथम श्रेणी में बीएससी होना चाहिए, इन्होंने मांगा है। फर्स्ट डिवीजन बीएससी होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ, और एज पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ओनली यहाँ पर बताया है इन्होंने। इसका स्टाइपेंड 9,000 रुपया है, इसका सबसे ज़्यादा है। तो आप यहाँ जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपकी जो ट्रेनिंग अवधि होगी वो 1 साल का होगा, यहाँ पर बताए गए। और वृत्ति ऊपर दिए गए तालिका के अनुसार होगा, मतलब आपकी जो स्टाइपेंड होगी ऊपर जो बताया गया उसी के अनुसार होगा। और यहाँ पर इन्होंने बताया है प्रशिक्षुओं के चयन के समय निम्नलिखित शर्तों का लागू होगा, जो इसमें बताया गया है वो इसमें ये बताया गया है कि जो अभ्यर्थी आवेदन दे वो अपने पास पाठ्यक्रम में पास हुआ हो, कोर्स आपका पास हुआ होना चाहिए। वो इन्होंने ये बताया कि आपके पास राष्ट्रीय व्यवसाय परिषद NCVT द्वारा जारी ITI या NTC अभ्यर्थी ही आवेदन देने के लिए पात्र हैं। जो अभ्यर्थी के पास NCVT से सर्टिफिकेट है वही यहाँ पर बताया गया, आप वही भर सकते हो। और उसके बाद इन्होंने 3 नंबर बताया है कि आप SC ST OBC कैटेगरी से हो तो आपको ITI पाठ्यक्रम प्राप्त किए गए अंकों की पूर्णता करने के अनुपति नहीं होती है, मतलब आधार पर चैनल बनाया जाएगा आपको। मतलब ये बताया जा रहा है कि आपकी जो इसमें सिलेक्शन होगा वो आरक्षण के हिसाब, भाई इसमें 7 नंबर में जो बोल रहा है वो बता रहा है कि अगर आप कहीं पर अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आप वो पात्र नहीं होंगे। अगर आपने कहीं पर जॉब कर रहे हो ITI वाले सर्टिफिकेट से तब इसमें आपको पात्र होगे। और इसमें ये कह रहा है कि आप उस समय आपको कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ से आपको NOC सर्टिफिकेट लाना होगा, मैंने वहाँ कंपनी में छोड़ दिया, ये बता रहे हैं। तो 8 नंबर पर जाएंगे तो उसमें बता रहा है कि अन्य संस्थाओं के साथ प्रतिष्ठित व्यक्ति को सम्मिलन करने की अनुमति नहीं है, मतलब अगर आप कहीं किसी संस्था अगर काम अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, ये बता रहे हैं। और 31/3/2022 को आपको आपका एज जो होना चाहिए वो बता रहे हैं कि जनरल जो है उसका 30 होना चाहिए, OBC के लिए 33 और ST के लिए 35 होना चाहिए। और इसके बाद नीचे आप जाएंगे तो इसमें 10 नंबर में बताया गया कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको जैसे SSC अगर 10वीं की सर्टिफिकेट और आपके पास जो SC ST का वो सर्टिफिकेट होता है EWS का सब आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर 10 नंबर में बताया जा रहा है आपको ये सब जमा करना है वहाँ पर। और केवल भारत की 11 नंबर में देखेंगे तो इन्होंने बताया केवल भारत का नागरिक होना चाहिए वही आवेदन कर सकता है। और इसके बाद इन्होंने बताया है कि 12 नंबर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इन्होंने बताया कि परीक्षा अवधि पूरा होने के पश्चात सारा, मतलब अगर परीक्षा अवधि की अगर आपको पूरा हो जाएगी तो यहाँ पर रोज़गार देने की कोई गारंटी नहीं है। मतलब जो भी संगठन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या भारत अंतरिक्ष विभाग में किसी अन्य केंद्रों में आपको रोज़गार नहीं दिया जाएगा। इसके बाद इन्होंने 13 नंबर में बताया है कि रोज़गार केंद्रों में प्रयोजित और इन परीक्षण की स्थिति में विचार किए जाने हेतु पहले आवेदन फॉर्म दे चुके फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं। जिन्होंने रोज़गार केंद्र के माध्यम से अगर आवेदन दे दिया है तो उनको फिर से आवेदन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार अपना फॉर्म जो भेजना है इस पते पर भेजना है, हिंदी में अगर आप देखना चाहें इस पते पर भेजना है, जिसका मतलब यह है इन्होंने बताया है वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी भर्ती MS समीक्षा अनुभाग VSSC तिरुवनंतपुरम में भेजना है। VSS तिरुवनंतपुरम पिन कोड है 69502 में 4 तारीख तक भेजना है, 4/4/2022 से पहले भेजना है। इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा है ना, इन्होंने इस एड्रेस पर आपको भेजना है। आपको फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैंने फॉर्म उसी आप करियर और ऑप्शन से जाकर डाउनलोड करना है, मैंने यहाँ पर फॉर्म भी डाउनलोड किया है वो आपको मैं फॉर्म दिखाता हूँ। वो फॉर्म में क्या है ये देख लीजिए, फॉर्म जो यहाँ पर है वो यहाँ पर देखेंगे तो ये फॉर्म भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म भी और एडवर्टाइजमेंट भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म और वो
और एडवर्टाइजमेंट आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर बताया गया है जो विक्रम भाई सारा अंतरिक्ष केंद्र है, यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना है और यहाँ पर आपको अपना ट्रेड का नाम लिखना है यहाँ पर, और इसके बाद अपना नाम लिखना है, अपना जन्मतिथि लिखना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है मेल फीमेल, इसके बाद अपना विवाहित स्थिति बताना है अनमैरिड मैरिड, इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि आप कौन से धर्म को, भारतीय इंडियन अगर आपकी नागरिकता आपको बताना ही है यहाँ पर, यहाँ पर धर्म बताना है। और आप यहाँ पर 6 नंबर पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर बताना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं उसको बताना है, फिर अगर हाँ तो इसमें यस में क्लिक करना है, उसके बाद आपको वो प्रमाण पत्र देना होगा तो यहाँ पर बताया गया वो वहाँ पर, अगर इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर, और यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर बताया गया है आपको टिक मारना है अगर इस कैटेगरी में से आते हैं किसी में तो हाँ उस पर करना, उसके बाद अगर आपको किसी एक में टिक मारना, जैसे आप ओबीसी से आते तो ओबीसी से मरना है, एससी तो एससी का जिसमें हो आपको वो देना, अगर जिसमें टिक मारोगे आपको उसका सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसके बाद यहाँ पर अपना आपको अस्थाई पता डालना है यहाँ पर, ये वाले में अपना अस्थाई पता, और यहाँ पर वो वर्तमान में जो प्रेजेंट में पता है ये दोनों सेम भी कर सकते हो आप अगर। इसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है अपनी योग्यता के बारे में, यहाँ पर 10वीं आप, उसके बाद 12वीं आईटीआई अपना दिखा सकते हो यहाँ पर भरना है, यहाँ पर आपको अपना 10वीं लिखना है, यहाँ पर उस कॉलेज का नाम डालना है, यहाँ उत्तीर्ण डेट डालना है, वहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पर आपको प्रतिशत अंकों का प्रतिशत लिखना है, यहाँ पर प्रतिशत जैसे आपका 70% है तो यहाँ 70% लिखेंगे, यहाँ पर बगल में लिखेंगे फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पर लिखना है, ऐसे यहाँ पर 12वीं लिखेंगे, यहाँ पर आईटीआई लिखेंगे, ऐसे पूरा डिटेल आपको फिल करना है। उसके बाद आप जैसे यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर अनुभव तथा प्रतिक्षणधीन प्रतीक्षों के ब्यौरा यदि कोई है, यदि आपके पास कोई अनुभव है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आपने किसी ट्रेड में अप्रेंटिस पहले से किया है तो आप यहाँ पर पूरा वो डिटेल दिखाना है, जैसे किस संस्था से किए हो उस यहाँ पर वो संस्था का नाम बताना है, और वहाँ पर क्या काम करते थे, डिजिनेशन क्या थे, आपकी कितना सैलरी मिलती थी, आपकी जो ड्यूटी क्या करते थे, मतलब यहाँ पर आप किस टेक्नीशियन थे तो या किस पोस्ट पे थे तो उसके बाद वहाँ बताना है, यहाँ पर आप क्या काम करते थे वो बताना है, आपकी कब से कब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी कब एंड हुई थी यहाँ पर बताना, और छोड़ने का रीज़न बताना है। अगर आप किसी संस्था में अगर आपने अप्रेंटिस किया है या दूसरे ट्रेड में तो वो आपको यहाँ पर बताना है, अगर पहले से अप्रेंटिस की है तो वो चीज़। इसके बाद आपका यहाँ पर इन्होंने बताया आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पर इन्होंने बताया है ये वाले ऑप्शन में, यहाँ पर आप देखेंगे 10 नंबर में ये बताया गया है, अगर आपके पास कोई पुलिस केस हुआ है ये सब हुआ है या मुकदमा चला है तो ये चीज़ें पूछ रहे हैं आपको, यहाँ पर देखेंगे तो ये सब लिखा हुआ है, आपकी वेरिफिकेशन वो कराएंगे, इसलिए आपको ये सब नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आपके संदर्भ इसमें लिखा है 11 नंबर के संदर्भ सहित अन्य कोई संगठित सूचना आप जोड़ना चाहते हो तो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। इसके बाद आपको घोषणा पत्र में यहाँ पर अपना ये पढ़ लेना है, डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेट डालना है जिस दिन आप सिग्नेचर करना है, और इसके बाद इसको लिफाफे में करके इस फॉर्म को आपको उस पते पर भेजना है जो मैंने आपको पता दिखाया था यहाँ पर, इस पते पर आप आएंगे तो आप उस पते पर उसको भेज सकते हैं, इस वाले पते पर आप इसको जाएंगे तो आप ये इस वाले पते पर मैंने बताया था, इस वाले पते पर आपको भेजना है, इस वाले पते पर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिएगा, इस वाले पते पर आपको फॉर्म को भेजना है और इसको लिफाफा में करके भेजना है, और ऊपर जो पूरा प्रोसेस होता है उसको आपको फॉलो करके इस वाले पते पर आपको भेज देना है। अब आशा है आपको कुछ सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी, फिर भी अगर आपको कुछ कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपकी रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दे देंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम लाइव सेशन में आकर आपको बता देंगे। धन्यवाद।